हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में नदी के किनारे पर एक साधु की कुटिया थी। एक दिन साधु ने देखा कि उनकी कुटिया के सामने वाली नदी में एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। तो साधु ने सेब को नदी से निकाल लिया और अपनी कुटिया में ले गए। महात्मा सेब को खाने ही वाले थे कि उनकी अंतरात्मा से आवाज आई, क्या यह तेरी संपत्ति है? यदि तुमने इसे अपने परिश्रम से पैदा नहीं किया तो क्या इस सेब पर तुम्हारा अधिकार है? अपने अंतर्मन की आवाज सुन साधु को आभास हुआ कि उसे इस फल को रखने और खाने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर साधु सेब को अपने झोले में डालकर सेब के असली स्वामी की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर साधु को एक सेब का बाग दिखाई दिया। उन्होंने बाग के स्वामी से जाकर कहा, आपके पेड़ से यह सेब गिरकर नदी में बहते बहते मेरी कुटिया तक आ गया था, इसलिए मैं आपकी संपत्ति वापस करने आया। वह बोला, महात्मा, मैं तो इस बाग का रखवाला मात्र हूँ। इस बाग की स्वामी राज्य की रानी है। बाग के रखवाले की बात सुनकर साधु महात्मा सेब को देने रानी के पास पहुँचे। रानी को जब साधु के सेब को यहाँ तक पहुँचाने के लिए लंबी यात्रा की बात पता चली तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने एक छोटे से सेब के लिए इतनी लंबी यात्रा का कारण साधु से पूछा। तो साधु बोले, महारानी जी, यह यात्रा मैंने सेब के लिए नहीं बल्कि अपने जमीर के लिए की है। यदि मेरा जमीर भ्रष्ट हो जाता तो मेरा जीवन भर की तपस्या नष्ट हो जाती। साधु की ईमानदारी से महारानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने साधु महात्मा को राजगुरु की उपाधि से सम्मानित कर उन्हें अपने राजघराने में ही रहने का आमंत्रण दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमें हर स्थिति में ऑनेस्ट रहना चाहिए। चलिए मिलेंगे फिर किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।